बच्चों, 15 अगस्त आने वाला है। मैंने इसके लिए एक योजना बनाई है। सर, चाहे जो योजना बना लो, लेकिन अगर उस दिन जलेबी नहीं बटी तो आपके ऊपर इतने हवाई हमले करवाऊंगा कि आप नेस्तनाबूद हो जाओगे। हाँ तल, हम आपको उती देत की मिट्टी में मिला देंगे। दित देत की आजादी का दत्न हम मना रहे होंगे। अबे गधे के बच्चों, बीच में अपनी टांग फंसाना बंद करो और पूरी बात सुनो। पूरी बात सुना दो सर, लेकिन जलेबी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और कंप्रोमाइज हुआ तो हम डाके लाल किले पर धरने पर बैठ जाएंगे। अबे टकले, लाल किले पर क्या धरने जाएगा? जो भी धरना है इधर ही धरना। साले अतलील खोपली वाले, हमिता अतलील बात ही तो देगा। साले तोतली जुबान, साले बात जलेबी की चल रही है और तुझे मिर्ची लग रही है। चुप करके बैठ जा, नहीं तो 15 अगस्त को तुझे ही पतंग में बांध कर उड़ा दूंगा और इतनी ढील दूंगा कि दिल्ली जाके बिल्ली पकड़ लेगा। राजू और बबलू, आपस में ऐसे लड़ाई मत करो और मेरी बात सुनो। हाँ सर, भको, तब से मरे जा रहे हो अपनी बात उगलने के लिए, उगलो जल्दी। अच्छा बेटे, ठीक है, अब वो क्या है कि तुम जरा इधर आओ, तुमको कुछ कहना है। आगे मैया, अब वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। सर, आपने मुझे पास बुलाया तो मुझे लगा कि आपको दूर की चीजें दिख नहीं रही हैं। आंख में निमोनिया हो गया आपके और मुझे देखने के लिए पास बुला रहे हो। लेकिन आपने तो पास बुला के गले से लगा के मारकर मेरा गाली सुझा दिया। जाके अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जा, नहीं तो पिछवाड़ा सुझा दूंगा तेरा दूसरे थप्पड़ में। जा रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 15 अगस्त आने वाला है और मैंने एक योजना बनाई है कि इस बार हम एक रंगारंग कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद जलेबी मिलेगी या फाफड़ा मिलेगा। ना जलेबी मिलेगी ना फाफड़ा मिलेगा, और अगर ज्यादा फड़फड़ाए तो लाफा मिलेगा। बैठ जा चुप करके। हाँ, तो योजना ये है कि हम लोग उस दिन कोई नाटक करेंगे। नाटक तो आप रोज करते हो सर, कुछ नया बताओ। ज्यादा होशियार बनेगा रे तो। होशियार तो मैं हूँ और आपसे ज्यादा हूँ सर। अच्छा, वो कैसे? इनको छोड़ो सर, आप बताओ नाटक क्या है? नाटक ये है कि हम लोग अलग अलग देश का रोल करेंगे। कोई चाइना बनेगा, कोई बांग्लादेश बनेगा, कोई नेपाल बनेगा, कोई श्रीलंका बनेगा, कोई इंडिया बनेगा, तो कोई पाकिस्तान का रोल करेगा। मैं तो चाइना का रोल करूंगी सर। मैं इंडिया बनूंगा। मुझे तमद नहीं आ रहा कि मैं श्रीलंका बनूं या नेपाल बनूं। तू जापान बन जा। नहीं, मैं दापान नहीं बनूंगा, मैं तो बिहार बनूंगा। अबे देश की बात हो रही है और बिहार राज्य है, कुछ बड़ा सोच, बड़ा। तो फिर मैं देत नहीं महादेत बनूंगा, ऑस्ट्रेलिया महादेत बनूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो देश है। पढ़ाई लिखाई करोगे तब ना पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महादेश भी है। जाबे पगली, कोई चाहे देश हो, प्रदेश हो या महादेश हो, मेरे देश से बड़ा कोई देश नहीं है। मैं तो इंडिया बनूंगा इंडिया, और बाकी सबकी लंका लगा दूंगा। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान का रोल मैं करूंगा। वाह वाह सर, फिर तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा, जला मुझे भी तो बता। अरे पगले, मैं इंडिया बना हूँ और सर पाकिस्तान बने हैं, तो इंडिया पाकिस्तान की क्या करेगा? क्या करेगा? धुलाई करेगा। लेकिन तीला तो ताइना बनी है, बनने दे मुझे क्या। अबे मूलक, तीला ताइना बनी है और तल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो ताइना को पटाने के लिए उत्पत तला तला ते डोले डालता है ना। तो क्या हुआ, सर भी शीला को पटाने के लिए तरह तरह के डोले डालेंगे। क्या सर शीला पर डोरे डालेंगे? What? वो भी मेरे होते हुए? मुझे नहीं पता, तलते पुतले। अच्छा बच्चों सुनो, नाटक की कहानी ऐसी है कि मैं पाकिस्तान बनकर चाइना पर डोरे डालूंगा और इंडिया के खिलाफ कर दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना सर, चाइना इंडिया की है
और इंडिया के जीते जी वो कभी भी पाकिस्तान की नहीं होगी। अरे राजू नाटक है ये, भड़क क्यों रहा है? तो सार कान खोल के सुन लो मेरी बात, अपना ये नाटक अभी बंद कर दो, नहीं तो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो नेस्तनाबूद हो जाओगे। मेरे होते यानी कि चाइना के होते तुम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते हो। अच्छा अभी बताता हूँ, बबलू पकड़ शीला को। अरे शीला, अरे चाइना, अरे ऑस्ट्रेलिया, अरे बचाओ मुझे, इंडिया मुझे मार रहा है, हाय अल्लाह। तो इसमें नया क्या है, इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान की मारता रहता है, आज आप पाकिस्तान बने हो और मैं इंडिया, मार तो खाओगे ही। और कान खोल कर सुन लो, ये नया इंडिया है ये घुस कर मारता है, ये ले और ले, सारे पाकिस्तान मार मार के कर दूंगा पस्त।